रिसेशन, जिसको लेके काफी एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि हम रिसेशन में ऑलरेडी हैं। काफी एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि रिसेशन आने वाला है, और काफी लोगों का ये बोलना है कि रिसेशन आके भी चला गया। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट का करेंटली अभी ये बोलना है कि नहीं, हम अभी यहाँ पर रिसेशन के अंदर नहीं और GDP and whether or not we are in a recession. Both Chairman Powell and many of the significant banking personnel and economists say we're not in a recession. हर किसी के अलग अलग व्यू पॉइंट है, और आज के डेट में सोशल मीडिया इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है कि रिसेशन के बारे में भी हर कोई अवेयर है, और हर किसी का रिसेशन के ऊपर भी यहाँ पर ओपिनियन। सो आज का जो वीडियो है, यहाँ पर हम रिसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसेशन की डेफिनेशन क्या है, तो अगर हमको जब भी एक सिग्निफिकेंट और एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हमको इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने को मिलता है, उसको बेसिकली यहाँ पर रिसेशन बोला जाता है। अब बात करें कि ये कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कि हम रिसेशन में हैं कि नहीं हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर जनरली ये बोला जाता है कि अगर आपको दो क्वार्टर यहाँ पर, उस क्वार्टर के अंदर किसी कंट्री की अगर GDP नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहा है, इसका मतलब कि हम रिसेशन के अंदर हैं। हाउएवर, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि GDP जो है वो रिसेशन का परफेक्ट इंडिकेटर यहाँ पर हो। एंड इन्फ्लेशन कैसे टर्न होता है रिसेशन के अंदर, इसके बारे में आपको एजुकेट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो इसको डेफिनेटली देखो। रिसेशन को समझने के लिए ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा हमने यहाँ पर बात करा कि अगर दो क्वार्टर्स के अंदर GDP नेगेटिव यहाँ पर आते हैं तो उसको बेसिकली रिसेशन यहाँ पर माना जाता है, लेकिन ये एक जर्नल डेफिनेशन है। एंड इसी के ऊपर रिसेंटली व्हाइट हाउस ने US के अंदर यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने यही सेम चीजें मेंशन करी, जहां पर अगर दो क्वार्टर्स के GDP नंबर्स नेगेटिव आते हैं तो सिर्फ आप उस पर रिलाय करके ये नहीं बोल सकते कि हम रिसेशन के अंदर हैं। यहाँ पर और भी अदर फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जैसे कि रियल इनकम जो है वो कितनी जनरेट हो रही है, US के अंदर कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कितनी हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है क्या उसके ऊपर स्लो डाउन हमको देखने को मिला है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है क्या वो यहाँ पर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में उन्होंने बात करी कि इनको भी इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और जनरली भी अगर हम बात करें प्रीवियस रिसेशन की, तो वहां पर यूजली हमने ये देखा है कि रियल इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे के सारे डिक्लाइन करते हैं वॉल्यूम के अंदर, मतलब उसके अंदर स्लो डाउन आ जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो और वहां पर राइज करने लग जाता है। तो ये हमने यूजली देखा है कि जनरली हमको रिसेशन के अंदर ऐसी चीज देखने को मिलती है। एंड यही जो चीज है सेम यहाँ पर US की जो ट्रेजरी की सेक्रेटरी है जेनेट येलन, उन्होंने भी यहाँ पर बताई कि अगर आप देखोगे GDP नंबर्स इज वन थिंग, लेकिन ये बाकी अदर जो फैक्टर्स है, रियल इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन नंबर्स में हमको वो डिफरेंस जो है अभी देखने को नहीं मिला, जिसको देख के हम यहाँ पर बोले कि हम रिसेशन के अंदर हैं। इकोनॉमिस्ट्स एंड मोस्ट अमेरिकन्स हैव अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ रिसेशन, सब्सटेंशियल जॉब लॉसेस एंड मास लेऑफ्स, बिजनेसेस शटिंग डाउन, प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज स्लोइंग कंसिडरेबली, फैमिली बजट्स अंडर इमेंस स्ट्रेन, इन सम a broad-based weakening of our economy. That is not what we're seeing right now. When you look at the economy, job creation is continuing. Household finances remain strong. Consumers are spending and businesses are growing. अब यहाँ पर रिसेशन की बात ही कर रहे हैं तो प्रीवियसली देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जो स्टैट्स हैं रिसेशन के रहे क्या हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी तक US के अंदर सिंस 1948 11 रिसेशंस देखने को मिले हैं, और ये रिसेशन जो होते हैं ऑन एन एवरेज हर 6 साल के अंदर हमको एक रिसेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जब भी यहाँ पर हमको रिसेशन देखने को मिले हैं तो ऑन एन एवरेज वो 11 महीने तक यहाँ पर चले हैं। मोस्ट रिसेंट और शॉर्टेस्ट रिसेशन की अगर हम बात करें तो हमको रिसेंटली देखने को मिला था COVID-19 के लॉकडाउन के साथ, जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लास्ट किया था अराउंड 2 मंथ्स के लिए। एंड अगर आप अदर मेजर रिसेशन की बात करेंगे, जो मेजर हमको रिसेशन एक्चुअली में देखने को मिले थे, वो थे 2001 के अंदर जो .com बबल के कारण हमको देखने को मिला था, एंड उसके बाद 2008 एंड 2009 के अंदर जहाँ पर हमको हाउसिंग बबल कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था USA के अंदर। बट अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, करेंटली हम रिसेशन के अंदर है कि नहीं उसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं प्रीवियस जो बड़ा हमको रिसेशन देखने को मिला था वहां पर कंडीशंस क्या थी, वहां पर GDP क्या था, क्या स्टैट्स थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम 2008 का जो रिसेशन है उसको यहाँ पर देखते हैं, विच लास्टेड फ्रॉम दिसंबर 2007 टिल जून 2009। और मेन यहाँ पर रिसेशन का जो कारण था वो यहाँ पर था जो मॉर्गेज दिए गए थे, मतलब बहुत लोगों को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत लो थी, बहुत इजीली वहाँ पर लोगों को लोन दिया जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा बबल फॉर्म हुआ था
एंड इन दी एंड यहाँ पर वो बर्स्ट हुआ था। लेकिन अगर आप Q4 2008 के अराउंड देखेंगे, अगर हम देखते हैं वहां पर GDP नंबर्स क्या थे, जैसे आज के डेट में हम GDP नंबर्स को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे GDP नंबर्स जो थे वो 8.5% से यहाँ पर फॉल कर गए थे। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे वो 5 से लेकर 10% तक राइज कर गया था जब तक ये रिसेशन एंड हुआ। और अगर आप देखेंगे लेट 2008 तक US इकोनॉमी हर महीने 600,000 जॉब्स जो थी वो यहां पर लूज कर रही थी। इन्फ्लेशन भी अगर आप देखेंगे वो 3.84% पे रीच कर चुका था। और अगर आप देखोगे इसी 2008 रिसेशन के दौरान यहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग भी 1.5 से 2% तक फॉल कर गई थी, और हर कैटेगरी में फॉल करी थी। सिर्फ हेल्थ केयर था जिसपे इतना इंपैक्ट नहीं आया, बाकी हर जगह ये 1.5 से 2% तक का इंपैक्ट देखने को मिला था। तो ये तो अब 2008 के नंबर्स हो गए, और यही चीजें जिनके बारे में अभी यहाँ पर सेक्रेटरी एलन जो है या यूएस की गवर्नमेंट भी जो है बात करी है कि जिसको देख के हम इवैल्यूएट करते हैं रिसेशन में है कि नहीं। तो आई होप इससे आपको एक आइडिया मिल गया हो। लेकिन अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरह की। अगर हम देखेंगे मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो इतना अच्छा है नहीं, काफ़ी डाउट्स हैं यहाँ पर चीज़ों को लेके। इन्फ्लेशन भी अगर आप देखेंगे 9% के ऊपर यहाँ पर आ चुका है यूएस के अंदर। फेड जो है वो भी कॉन्स्टेंटली यहाँ पर यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए। सप्लाई चेन तो वैसे ही डिसरप्ट हो चुकी है जब से यहाँ पर कोविड आया है। उसके बाद अभी जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, एनर्जी क्राइसिस जो हो रहा है यूरोप के अंदर, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सिचुएशन को और वर्स कर रही है। इसलिए लोग जो है वो यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्ली हमको यहाँ पर रिसेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग है जो चीज़ों को थोड़ा सा अलग बनाती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है दया, वही चीज़ जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। जहाँ पर अनलाइक 2008 रिसेशन जहाँ पर हमने बात करी कि हर महीने 600,000 जॉब्स जो थे वो यूएस इकोनॉमी यहाँ पर लूज कर रही थी, अभी करंटली आप देखोगे ऑल दो जीडीपी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, लेकिन अगर आप जॉब्स को देखोगे हर महीने 375,000 जॉब्स जो हैं वो यूएस इकोनॉमी के अंदर एड यहाँ पर हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर जो उस टाइम पे 5 से लेकर 10% तक राइज कर गई थी, अभी करंटली अगर आप देखोगे जो करंट नंबर है वो 3.6% का यहाँ पर है। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें कंज्यूमर स्पेंडिंग की, तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। हाउएवर अगर आप देखोगे बहुत ही कम और बेयरली यहाँ पर वो मूवमेंट आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप मार्जिनली परसेंटेज इंक्रीज देखोगे मंथ ओवर मंथ तो वो थोड़ा सा यहाँ पर फॉल कर रही है, जो एक तरह से थोड़ा सा वार्निंग साइन जो है यहाँ पर दे सकती है। मई में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्पेंडिंग थी सिर्फ इंक्रीज हुई थी 0.2% से, जो काफी यहाँ पर कम है। सो नाउ आई होप ये कंपैरिजन देख के 2008 और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो नंबर्स देख के भी एक आपको आइडिया मिल गया, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा किन चीजों के बेसिस में यूएस गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि नहीं अभी तो वैसी चीजें नहीं हुई है जहां पर हम रिसेशन की बात करें या सोचे कि अभी रिसेशन के अंदर करंटली है। पर फिर भी यहाँ पर क्रिटिक्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्रिटिक्स जो हैं वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं। तो क्रिटिक्स का यहाँ पर बोलना ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज यहाँ पर एक लैगिंग इंडिकेटर है। जनरली यहाँ पर रिसेशन पहले हिट करता है एंड उसके बाद फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि तब लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। एंड यही जो चीज़ें अगर आप देखोगे 2008 के अंदर भी देखने को मिली कि इनिशियली रिसेशन ने हिट किया एंड उसके बाद ड्यूरिंग दैट रिसेशन 5 से लेकर 10% तक यहाँ पर धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ, जैसे जैसे उसके रिसेशन के इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिले। और यहीं पर अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूएस के अंदर जो 2008 का रिसेशन हुआ था उसका अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज का जो पीक था वो अक्टूबर 2009 को देखने को मिला था, जहां पर वो 10% पे रीच कर गया था। लेकिन अगर हम रिसेशन की बात करेंगे तो जब वो पीक टच हुआ उसे 4 महीने पहले ही रिसेशन यहां पर खत्म हो गया था। तो जो नंबर थे अनएम्प्लॉयमेंट के वो रिसेशन खत्म होने के 4 महीने बाद देखने को मिले। तो इस कारण से वो बोल रहे हैं कि यहां पर जो आप 3.6% को देख रहे हो वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, एक्चुअल नंबर्स यहां पर कुछ डिफरेंट है। साथ ही में यहां पर क्रिटिक्स का ये भी बोलना है कि अभी जो हाई इन्फ्लेशन के कारण महंगाई हो रही है और अभी जो मैक्रो कंडीशन चल रही है उसके कारण लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा जॉब्स यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब एक जॉब से ज्यादा यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग जो रिटायर्ड है वो भी आज की डेट में जॉब को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं पॉसिबली, ताकि वो अपनी फैमिलीज को यहाँ पर सपोर्ट कर पाए। तो इस कारण मे बी यहाँ पर जो जॉब नंबर्स हैं जो नॉर्मली रिसेशन के अंदर नेगेटिव देखने को मिलते हैं, इस बार जो पॉजिटिव है वो इस कारण से भी यहाँ पर हो सकते हैं। एंड थस यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर या परसेंटेज है वो हमको इतना लो देखने को मिल रहा है। और क्रिटिक्स का यहाँ पर अब जब कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात आती है तो उसको लेके भी उनका यहाँ पर बोलना ये कि लोगों को हायर इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण ज्यादा पैसे खुद पे करने पड़ रहे हैं। तो ज्यादा पैसे पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी ना, तो इस कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो भी यहाँ पर बढ़ गई है। और एनीवेज यहाँ पर सेंट्रल बैंक का जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है अगर उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर शो कर रहा है कि अभी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर हेल्दी नहीं है।
तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपको यहाँ पर हमने आइडिया दिया कि 2008 में क्या कंडीशन थी और क्या नंबर्स थे और अभी करंटली क्या कंडीशंस है और क्या नंबर्स है जिसके बेसिस पे यूएस गवर्नमेंट ये बोल रही है कि रिसेशन नहीं है। साथ में यहाँ पर आपसे ये भी शेयर किया कि क्रिटिक्स यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के जो पॉइंट्स है उसको किस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है और यहाँ पर हम रिसेशन के अंदर ऑलरेडी हैं। बट एनीवेज जैसा हमने बात की हर बार जो रिसेशन है ना वो यहाँ पर डिफरेंट आता है एंड रिसेशन स्पेसिफिकली देखा जाए अगर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके आने के चांसेस भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। जैसे 2008 की अगर हम बात करेंगे वो रिसेशन ऐसे मोड़ पे आया था जब लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि रिसेशन आएगा, सब लोग सोचे थे सब कुछ अच्छा ही चलेगा और एकदम से वो रिसेशन आया। एंड यूजली ऐसा ही होता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब वो एक्चुअल कंडीशन सामने निकल के आती है और उसी के अकॉर्डिंग करेंटली भी अगर हम देखेंगे चीज़ें गड़बड़ तो हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर GDP यहाँ पर फॉल कर रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है अगर रिसेशन में है तो वो भी फॉल करनी चाहिए लेकिन वो अभी फॉल नहीं कर रही है, वो तो राइज कर रही है, लोग स्पेंड कर रहे हैं खूब पैसे। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो उसको भी राइज करना चाहिए लेकिन अभी वो सिर्फ 3.6% पे है, तो सुना और लेटा कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। या तो GDP जो है जो अभी नेगेटिव है वो एकदम से पॉजिटिव टर्न हो जाए यहाँ पर, या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है आने वाले टाइम के अंदर आने वाले महीनों के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर स्लो डाउन हो, फॉल करना स्टार्ट करे और वहाँ पर फिर हमको इम्पैक्ट देखने को मिले जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी राइज करे और फिर हमको रिसेशन देखने को मिले। लेकिन जैसा बात करी हर बार रिसेशन जो है बहुत अलग तरीके से प्ले आउट होता है, तो इस बार भी जो रिसेशन आएगा वो अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएगा, प्रीवियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप भी प्रिपेयर रहना कि अगर आता है तो बहुत वियर्ड और अजीब तरीके का यहाँ पर आएगा, एक नए तरीके का रिसेशन आएगा, क्योंकि जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता। अगर हर कोई एक्सपेक्ट कर ले कि सेम ही रिसेशन वही नंबर्स पे वैसी चीज़ें आएंगी तो हर कोई पहली सारी चीज़ों की प्लानिंग कर लेगा ना, शॉर्ट वॉट ओपन करके अपनी सारी चीज़ें, तो वैसा होता नहीं है। तो इसी कारण से लेट्स सी, एंड हो सकता है शायद लोग रिसेशन ही यहाँ पर करते रहें और सिचुएशन ऐसी चलते रहे और फिर एक ऐसा टाइम आए जहाँ पर लोगों को लग जाए कि शायद रिसेशन अब शायद नहीं आने वाला और तभी एकदम से मार्केट बुलिश होके ऐसा क्रैश करे कि बहुत ही गंदा हमको रिसेशन देखने को मिले। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, राइट? बट इन द एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पूरी एक आइडिया मिल गया है रिसेशन के बेसिस पे क्या प्रीवियस नंबर्स थे, करंटली क्या चल रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट का क्या बोलना है, क्रिटिक्स का क्या बोलना है। अब एंड में आपके ऊपर सवाल आता है, आप भी बता दो, अब मैंने तो बता दिया, आपको क्या लगता है हम रिसेशन में हैं या रिसेशन आने वाला है, या आपको लगता है रिसेशन अभी नहीं आएगा, या आपको लगता है रिसेशन आके चला गया, कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी साथ में आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यही छोटी सी चीजें हैं जो हमको मोटिवेटेड रखती हैं, हैप्पी रखती है इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए, तो इट विल रियली मीन अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।